नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। अंबाला छावनी में एकता विहार रोड पर रामकृष्ण कॉलोनी में बीते 5 दिनों से बिजली की किल्लत झेल रहे गुस्साए लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर इलाके के आशीष सिपासी, आशीष अग्रवाल, संजीव कुमार, किरण सेनी और रेणु ने बताया कि अपनी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 2 जुलाई को बिजली बोर्ड के SDO को लिखित में शिकायत देकर खुलासा किया था कि इस इलाके में 1 हफ्ते से बिजली की रात दिन भारी किल्लत हो रही है। अगर बीच में लाइट आती भी है तो वोल्टेज बहुत कम रहती है। इस समस्या से यहाँ के बच्चे, बड़े और बुजुर्ग परेशान हैं। भीषण गर्मी के बीच बिजली की किल्लत के कारण इलाके के लोग बीमार हो रहे हैं और समस्या के समाधान के लिए 1 हफ्ते से बिजली बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो इस संबंध में बिजली विभाग केंद्र और टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। रामकृष्ण कॉलोनी वार्ड नंबर 15 का बिजली कनेक्शन गुरुद्वारा तारा नगर के ट्रांसफार्मर से है, जिसका हर रात को फ्यूज उड़ जाता है और यहाँ के लोग सारी रात परेशानी से गुजारते हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता गगनदीप सिंह कपूर ने भी धरना स्थल पर आकर प्रदर्शनकारी लोगों को यथासंभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। अंबाला छावनी से हमारे जिला संवाददाता सर्वे जी हाँ, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। मैं हूँ सर्वेश शर्मा आपके साथ। आज हम खड़े हैं यहाँ पर रामकृष्ण कॉलोनी में, जो कि है आज स्थानीय निवासियों के द्वारा जो है रोड को दो तीन तरफ से जाम कर दिया गया। बाकायदा बीच में दिखाना चाहूंगा मैं आपको, दरिया बिछाकर जो लोग ये है यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बिजली की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। काफी समय से यहाँ पर बिजली की जो है दिक्कतें आ रही है। बाकायदा ये तार जा रही है, जो तारे यहाँ पर जल चुकी है, सड़ चुकी है, लाइट नहीं आ रही है। और आइए कुछ बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों के द्वारा, जिन्होंने यहाँ पर ये जो है बाकायदा जाम लगाया हुआ, दोनों तरफ से जो है यहाँ पर जाम की स्थिति है और इधर का ट्रैफिक न एक तरफ आ रहा है न उधर जा पा रहा है। तो आइए कुछ बात करते हैं उनके साथ कि किस तरह की समस्या आ रही है। मेरा नाम आशीष पासी है जी। जी, मैं अभी यहीं का निवासी हूँ अंबाला कैंट का जी। और अभी पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा अलग अलग क्षेत्र से बिजली की बहुत सी समस्याएं आ रही थी जी। अभी कल हमारे साथियों ने शिवपुरी कॉलोनी में आशीष अग्रवाल जी ने जाम लगाया जी। और उसके बाद बिजली विभाग एक्शन में आया और 2-3 घंटे बाद वो लाइट सुचारू हुई। यही हाल अब यहाँ पर हुआ है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि क्या कारण है। बिजली विभाग एक्शन SDO और सभी जगह कॉल करने के बाद भी कॉल नहीं उठाते। उसके बाद जब धरना प्रदर्शन होता है, जाम लगता है, बिजली विभाग के अफसर आते हैं और अधिकारी आते हैं और सभी कर्मचारी आते हैं, बिजली चालू होती है। अगर यही काम है तो फिर इनको बिजली विभाग को बंद कर देना चाहिए, धरना प्रदर्शन विभाग खोल देना चाहिए, ग्राउंड बना दो, जिसका मन करे वहाँ जाके धरना दो। बिजली के बिल मोटे मोटे आ रहे हैं, बिजली ना होने के कारण पानी नहीं आ रहा, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रखी, बंद पड़ी है जिसकी ऑनलाइन होनी है, डिपो होल्डर यहाँ पर पास में, डिपो होल्डर बिजली ना होने के कारण मशीन चार्ज नहीं हो रही है। किसी तरह का आपने बिजली विभाग को जो है कोई एप्लीकेशन या किसी तरह से कोई इन्फॉर्म करा? सर, एप्लीकेशन देने के बाद क्या, फोन करा हमने उनको, बकायदा इन्होंने हमें एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, सभी अधिकारियों के नंबर है। आप ये सोचिए कि ये जो आम जनता है, अनपढ़ लोग हैं, अगर ये एक एक बंदा जाके एप्लीकेशन देगा, एक बंदा अपनी दिहाड़ी तोड़ेगा, लॉकडाउन के बाद 4 महीने बाद आज काम लगने लगा है, अपनी दिहाड़ी तोड़ के बिजली बोर्ड जाएगा, बिजली बोर्ड उस पर 4 दिन बाद आके काम करेगा, तो ये खाएंगे क्या? बिजली है नहीं, पानी है नहीं, शाम को जो रोजी रोटी कमाने बंदा दिहाड़ी लगाने जाता है वो तोड़ देगा बिजली विभाग जाके, डिपो पे राशन मिलना नहीं, तो फिर ये ऐसा कब तक चलेगा? मतलब ये डिजिटलाइज इंडिया है, इन्होंने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, अरबों रुपए बिजली विभाग ने खर्च कर दिए, जगमग अंबाला के नाम पे इन्होंने स्ट्रीट लाइटों पे इतना पैसा खर्च कर दिया, अभी भी वही, मतलब कि 1947 वाला काम अगर चलना है कि कागज काले करके रजिस्टर में जाके जमा कराओ, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। सब कुछ ऑनलाइन करने का प्रधानमंत्री का आके न्यूज में आके बोलना कि इंडिया डिजिटल हो गया है और ऑनलाइन पेमेंट करो, मतलब बिजली का बिल तो ऑनलाइन जमा हो जाता है, बिजली की रीडिंग लेने वाला कर्मचारी घर से लेके जाता है, बिजली का जो बिल है वो ऑनलाइन बिल आ जाता है, आप चेक कर सकते हो, लेकिन बिजली नहीं ठीक हो सकती ऑनलाइन। ये क्या हुआ? ये तो फिर दुराचार हुआ, सरासर अत्याचार हुआ। अभी आप देखना, कंप्लेंट अभी तक बिजली विभाग को की है। मैडम, सबसे पहले क्या करना होता है आम नागरिक ने, बिजली बोर्ड विभाग में जब आप जाओगे, आप जाते रहते हो, वो कहते हैं अगर आपके आपको बिजली की कोई प्रॉब्लम है हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, अगर वो नहीं उठाता तो आप SDO को कॉल करो, SDO रहते हो एक्शन को करो, आप मेरा कॉल देख लो, मैं सभी को मिला चुका हूँ। अब रही जो रिटर्न एप्लीकेशन की बात,
अगर यही क्राइटेरिया है कि रिटर्न एप्लीकेशन से ठीक होगा तो मैं आज आपको ये क्राइटेरिया बदल के दिखाता हूँ। कल बदल के दिखाया, बिना रिटर्न एप्लीकेशन दिए आज ये काम होगा, और नहीं होगा तो आज ये बीना की मंडी, अभी बीना की मंडी से मुझे कॉल आई है, 50-50 रुपये इकट्ठे करके लोगों से बिजली विभाग ने कार्ड लगाई कल रात को, वो सड़ गई, अब फिर नहीं है कल रात से लाइट, अब दोबारा वो फिर आ रहे हैं, फिर पैसे मांगेंगे, मतलब कमाई है नहीं, साधन है नहीं, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, पैसे इनके भरे जाओ, फिर बिल भी देना है इन्होंने बड़े बड़े, तो फिर आम जनता को अगर तुम वैसे ही जहर देके मार दो। कोरोना काल के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके की सब्सिडी किसी भी लोगों को कुछ नहीं मिला, राशन के टाइम इन्होंने दाल बंद कर दी, तेल बंद कर दिया, स्कूल बंद है, सबसे बड़ी महामारी देखो, आज तक अभी का आपने सुना है कि स्कूल बंद हो और फीसें पूरी ली जाए, एनुअल चार्ज तक लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स स्कूलों के बाहर धक्का दे रहे हैं, मंत्री जी चाय पी के लौट जाते हैं सुभाष पार्क में मॉर्निंग वॉक करके, उनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर लोग धूप में बैठे हैं और वो सवेरे पार्कों में घूम रहे हैं, पार्कों में घूम रहे हैं और 20-20 गाड़ियां पुलिस वालों की लेके घूम रहे हैं, उनको पब्लिक का हाल नहीं पता चलता क्या? आप लोगों के चैनल देखते हैं, वो न्यूज पेपर देखते हैं, वो जिस दिन लोगों ने वोट देना बंद कर दी ना, नालियां साफ करेंगे यहाँ पर आके, वो हाथ पैर जोड़ के इनसे माफी मांगेंगे। जी, एक महिला भी यहाँ पर हमारे साथ बनी हुई है जो कि बकायदा आज जो यहाँ लगे हैं, आइए उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। जी बोलिए। ये बिजली भी आ गए हैं, हम इनसे बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हैं, कितना बिल भेज देते हैं और कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक भी नहीं करने आते, कंप्लेंट करो तो फोन बंद स्विच ऑफ आता है या फिर बिजली दिखा देते हैं। अब एक बंदा हार्ट का मरीज है, मैं एक रिटर्न लेडी हूँ, 4 दिन से यहाँ रविदास नगर नाले के ऊपर 4 दिन से लाइट नहीं है, आ रही है जा रही है, ना बिजली है ना पानी है, हम वैसे भगवान ने मार रखा, दूसरा हम इस वजह से परेशान है, बिजली लाइट नहीं होती कहाँ हमारे, पानी भी नहीं होता पीने का, इतराई इतराई मच रही है। दूसरा मैं जॉब करती हूँ प्राइवेट स्कूल में, मेरी जॉब भी नहीं रही है, इसी तरीके से कमाई का जरिया नहीं है, फिर भी मैं बिजली पानी के बिल दे रही हूँ, जैसे मर्जी इधर उधर से जुगाड़ करके उधार लेके लोगों से मैं बिल बिजली का पानी का जमा कराती हूँ। 1.5 साल से स्कूल वालों ने स्कूल से हमें बेदखल कर रखा है, एक फुटी कौड़ी नहीं आ रही है स्कूल अकाउंट के अंदर, बेघर घर से बेघर हो बैठे हम, फिर भी नहीं हम जी पा रहे ढंग से, आपसे ये गलत हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, बिजली पानी तो कम से कम दो जिससे इंसान जी सके, बस मैं इतना ही शॉर्ट में ही कहना चाहती हूँ कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल, काफी समस्या बताई है इन्होंने यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर लोग बैठे हुए बाकायदा धरने का प्रदर्शन यहाँ पर अभी इन्होंने किया हुआ, कि बाकायदा बता रहे हैं कि जब तक लाइट की स्थिति जो सामान्य नहीं हो जाती या लाइट को सुचारू रूप से एक बार चालू नहीं कर दिया जाता तो वह इसी प्रकार अपने धरने पर अटल रहेंगे, बैठे रहेंगे, और सरकार को भी एक इन्होंने पूरा शब्दों में जो है एक मैसेज दे दिया है और बताया है कि बाकायदा जो है किस तरह की इनको दिक्कतें आ रही हैं। ये कुछ छोटे बच्चे भी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं, धरने का हिस्सा है, आइए उनसे ही बात करते हैं। बेटे आपका नाम बताइए। जी जी बेटा, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? और कहना चाहते हैं कि हमारी बिजली तो या हमारे फोन भी नहीं हो रहे, हमारे चार्ज नहीं हो रहे, इसलिए हमारी बिजली का बहुत नुकसान हो रहा है और हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। हमारी सरकार से अपील है कि हमारी लाइट जल्द से जल्द। जी, सरकार से नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर अपील की है कि बाकायदा जो इनकी पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, जिस तरह की इनकी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो है इनको दिक्कतें आ रही हैं, एक बड़ी प्यारी सी इन्होंने एक अपील की है सरकार से, हाथ जोड़कर इन छोटे छोटे बच्चों ने, मासूम बच्चों ने, जिनको बाकायदा इस समय गर्मी का जो मौसम है बहुत तेज़ है, बारिश का नामो निशान दूर दूर तक नहीं है अभी तक, और बाकायदा यहाँ पर वो भी इस का आज जो है धरने का हिस्सा बने हुए हैं। सर्वेश शर्मा, हरियाणा न्यूज़ एक्सप्रेस, अम्बाला छावनी, राम किशन कॉलोनी।